मैंने इतना गलत अंदाजा लगा लिया कि जिस लड़के ने तुम्हारा रास्ता रोका था वो फखर होगा, क्योंकि उसी को भाई से हसद महसूस होती है। आपका अंदाजा जरूर गलत था, लेकिन फखर के अलावा और किसी का ख्याल तो जहन में आ ही नहीं सकता था पा। भाई की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें उसी वक्त भाई को बता देना चाहिए था। आपको लगता है कि वो दोबारा मेरा रोक सकता है रास्ता? तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, यूं ही तुम कौन सा अकेले कॉलेज जा रही हो? लेकिन आपा, वो भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एनी, घर में इस वक्त बहुत टेंशन चल रही है, अगर हमने इस बात का जिक्र किया तो सब मजीद परेशान होंगे। तुम अपने सर से कहो कि ये आके मिल ले। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है माँ? अगर वो तुम्हें खुश रख सकता है और तुम उसके साथ खुश रह सकती हो तो मुझे क्यों एतराज होगा? थैंक यू, यू मेड मी रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच माँ। वैसा करो ना, कल उसे डिनर पे बुलवा लो। कल डिनर पे? हाँ क्यों नहीं, आई एम ओनली आस्किंग। मैं बुला लूँ, आई कॉल हिम। क्या समझाए आप लोगों ने? क्या लगता है आपकी माँ को कि वो ऑर्डर करेंगी और मैं मिलने के लिए पहुंच जाऊंगा? नहीं, मैं शोरूम में रखा हुआ कोई शो पीस नहीं हूँ कि आपको पसंद आ जाए तो खरीद के दे देंगी वो आपको। Why are you being so mean to me? मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। किसी और से जाके कीजिए मोहब्बत, मोमिन नहीं है आपके लिए।